दोस्तों आप इस वीडियो को इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि आपका सपना भी IAS या IPS ऑफिसर बनना है। अगर आपका सपना भी है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आजकल यदि देखा जाए तो अधिकतर विद्यार्थी IAS बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ये तो पता होता है कि IAS या IPS इंडिया की सबसे बड़ी जॉब है। उनको इस जॉब में गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, बॉडी गार्ड मिलते हैं, बहुत ज्यादा पावर और शान शौहरत, पता नहीं क्या क्या मिलता है। लोग जाने ना अनजाने में इसे अपना गोल यानी कि ड्रीम तो बना बैठते हैं जो कि बहुत ही गलत है। इसी कारण हमारे 99% चांस है कि हम आगे चलकर फेल होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? यही ना कि भूख मिटाने के लिए, या ये कहोगे कि मन कर रहा था इसलिए खा लिया? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारा भोजन करने का जो मकसद होता है वो भूख मिटाना होता है। उसी प्रकार हम IAS बनने का सपना तो देख लेते हैं परंतु उसके पीछे हमारा IAS या IPS बनने का जो मकसद होता है वो गलत होता है। जिस दिन आप ऐसा सोचने लग जाओगे कि मेरा मेन मकसद भ्रष्टाचार मिटाना है तो उस दिन समझ लेना आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी हो गई है। आज तक जितने भी IAS टॉपर हुए हैं उन्होंने एक कॉमन बात जरूर कही है कि किसी के बहकावे में आकर IAS या IPS बनने की मत सोच लेना। एक रीजन होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हमें IAS बनना है। हमारे एरिया या हमारे देश में जो हो रहा है आप सभी को पता होगा कि क्या हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में चोरी, डकैती, रेप, बेरोजगारी क्यों हो रही है? क्या आपने इनमें से कोई रीजन लेकर कि मुझे ये बिल्कुल खत्म करनी है, मुझे चोरी, डकैती, रेप, बेरोजगारी को कम करना है या बिल्कुल खत्म करना है, इसके लिए मुझे IAS या IPS बनना है, ये आपने कभी सोचा था क्या? अगर आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना योगदान सबसे ज्यादा देश के लिए दो। आप IAS या IPS बनने के बाद उन लोगों को प्रेरित करो जो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इस प्रकार आप देश को बहुत बड़ा योगदान दोगे और उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करोगे। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हो या करने वाले हो, इस काम को करने की कोई वजह है या फिर नहीं है? ये आप जो काम कर रहे हो क्या वो भविष्य में काम आने वाला भी है या नहीं? दोस्तों जिंदगी में जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना और पूरे विश्वास से करना। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लास्ट में माई ड्रीम IAS या जो आपका ड्रीम है वो कमेंट में जरूर लिख देना।